एक न्यूज रिपोर्ट सुन लीजिए। एक प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी किया गया हुआ है रिलेशनशिप ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का, क्रॉनिक अल्कोहलिक कंजम्पशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज के एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज के बीच में। प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी किया गया हुआ है अल्कोहल कंजम्पशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज के डिजीज डेवलप करने के कोरिलेशन के ऊपर, ठीक है ना। इस पर्पज के लिए 400 लोगों को इकट्ठा किया गया हुआ है, ठीक है ना। 200 जिनमें से तुम्हारी क्रॉनिक अल्कोहलिक है और 200 जने शराब नहीं पीते हैं। स्टडी सब्जेक्ट तुम्हारी अनबायस्ड है, हर तरीके से सिमिलर है सिवाय अल्कोहल कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में। अल्कोहल कंजम्पशन तुम्हारी क्रॉनिक अल्कोहलिक्स से काफ़ी हद तक कंपेरेबल है माइनर डिफरेंसेस के साथ। और पेशेंट को तुम्हारा 15 साल के लिए ऑब्जर्व किया गया हुआ है और इनका इन सब लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, और मेडिकल एग्जामिनेशन केस रिकॉर्ड से हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस 15 साल के दौरान, ठीक है ना। और एक बात बोल के रखना चाहता हूँ, हर हफ्ते एक बार इन बंदों का, इन 400 बंदों का मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। 15 साल के दौरान 80 क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट में हम लोगों ने कोरोनरी हार्ट डिजीज होते हुए देख लिए हैं, जबकि नॉन अल्कोहलिक पेशेंट में सिर्फ 40 बंदों को कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रखी हुई थी, ठीक है ना। कोई भी मेंबर तुम्हारे स्टडी ग्रुप स्टडी ट्रायल को छोड़ के नहीं गया हुआ था इस 15 साल के दौरान। और इस 15 साल के दौरान क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन जो थी उन बंदों की तुम्हारी 2500 मिलीग्राम थी रोजाना, 2500 मिलीग्राम थी रोजाना माइनर वेरिएशन के साथ। सो इसी वजह से ये एक प्रोस्पेक्टिव कोर्ट स्टडी हम लोग कर रहे हैं एक स्पेशल ग्रुप में, जिसमें 400 लोगों को इकट्ठा किया गया हुआ है। 200 जने उनमें से क्रॉनिक अल्कोहलिक है, 200 जने तुम्हारे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। डाटा तुम्हारा 15 साल से लिया जा रहा है इसको, और वो भी कोहोर्ट मेंबर से डायरेक्ट दिया जा रहा है उनका वीकली मेडिकल एग्जामिनेशन करके, जिसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि 80 जने जो शराब पीते हैं उनको क्रॉनिक कोरोनरी हार्ट डिजीज हो चुकी हुई है, और 40 बंदे जो शराब नहीं पीते हैं उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो चुकी हुई है। कंपैरिजन तुम्हारा इंटरनल कंपैरिजन किया जा रहा है इसका स्टडी डिजाइन में। अब हम लोगों ने इसका टेबल बना के रखे हुए हैं। टेबल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं और डिजीज़ भी हो रखा हुआ है 80 जनों को, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है लेकिन डिजीज़ नहीं हुआ है 120 जनों को। अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर रहा है फिर भी डिजीज़ हो गया हुआ है 40 बंदों को। अल्कोहल कंजम नहीं कर रहा है फिर भी और डिजीज़ भी नहीं हुआ है ऐसे 160 बंदे हैं। तो टोटल अल्कोहल कंज्यूम करने वाले बंदे हैं 200, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करने वाले बंदे हैं 200, डिजीज़ हो रही तुम्हारी 800 और 40 मतलब 120 जनों को, और डिजीज़ नहीं हो रखी हुई है 120 और 160 डेट इज 280 बंदों को, ठीक है ना। इंसिडेंस रेट इसी, अब एनालिसिस जब हम लोग इस डाटा का कर रहे हैं तो इंसिडेंस रेट पहले चेक कर रहे हैं। इंसिडेंस अमाउंट एक्सपोज्ड आपकी आ रही है 80/200, ठीक है ना। 80 जने जिसको डिजीज हुआ है डिवाइडेड बाय 200 जिनको जो शराब पीते रहते थे, तो आगे आपकी 400/1000 इंसिडेंस अमाउंट एक्सपोज है 400/1000। इंसिडेंस अमाउंट नॉन एक्सपोज हम लोग कैलकुलेट करें तो वो है 40/200, 40 जने जो शराब नहीं पीते और डिजीज हो रखा हुआ है डिवाइडेड बाय 200 जने जो शराब नहीं पीते हैं, तो 20% डेट इज 200/1000 हमारा इंसिडेंस अमाउंट नॉन एक्सपोज आ रहा है। रिलेटिव रिस्क जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डेट इज इंसिडेंस अमाउंट एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमाउंट नॉन एक्सपोज, तो ये आ रही है हम लोग की 400/200 डेट इज 2, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क आ गई हम लोग की 2। रिलेटिव रिस्क अगर एक आ रही हो तो फिर कोई एसोसिएशन नहीं है। रिलेटिव रिस्क अगर एक से ज़्यादा आ रही हो तो पॉजिटिव एसोसिएशन है। रिलेटिव रिस्क अगर 2 आ रही हो इसका मतलब कि 2 गुना ज़्यादा रिस्क होती है एक्सपोज लोगों में। और अगर रिलेटिव रिस्क तुम्हारी 0.25 आ रही हो मतलब 75% तुम्हारी इंसिडेंस घट जा रही है एक्सपोज वाले पीपल में। रिलेटिव रिस्क अगर एक हो तो कोई एसोसिएशन नहीं है। रिलेटिव रिस्क अगर एक से ज़्यादा हो तो मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है। रिलेटिव रिस्क अगर 2 आ रही हो तो मतलब कि दुगना तुम्हारी रिस्क ज़्यादा बढ़ जा रही है एक्सपोज में। और रिलेटिव रिस्क अगर 0.25 आ रही हो तो मतलब कि 75% घट जा रही है इंसिडेंस एक्सपोज पीपल में। यहाँ पे कंक्लूजन हम लोगों का क्या निकला कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का रिस्क तुम्हारी दुगना ज़्यादा बढ़ जाती है अल्कोहल पीने वालों में रेदर देन जो शराब नहीं पीते हैं। एट्रिब्यूटेबल रिस्क हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंसिडेंस अमंग एक्सपोज माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाई इंसिडेंस अमंग एक्सपोज इंटू 100 इज 400 - 200 / 400 × 100, तो वो आ रही है हम लोग की 50%। एट्रिब्यूटेबल रिस्क हम लोग की आ रही है 50%। इसी वजह से 50% CHD हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग शराब के एक्सपोजर अल्कोहल के एक्सपोजर को स्टॉप कर दे सके तो। 50% कोरोनरी हार्ट डिजीज का हम लोग रिस्क एलिमिनेट कर दे सकते हैं अगर हम लोगों ने अल्कोहल से एक्सपोजर को स्टॉप कर दे सके तो। सिंस ये एक स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप स्टडी है, इसी वजह से इसमें हम लोग पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये स्पेशल ग्रुप स्टडी है इसलिए पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क हम लोग इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग का फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का रिस्क दुगना ज़्यादा होती है, और अगर शराब को हटा दिया जाए तो उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का रिस्क 50% तक घट जा रही भी होगी। यह था आज का हमारा स्टडी। थैंक यू।